अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, Xiaomi की तरफ से ब्लैक शार्क 5 निकल के आया है, जो कि यूके के अंदर ये डिवाइस लॉन्च हो चुकी है, यूरोप के अंदर ये डिवाइस देखने को मिल चुकी है, मतलब साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका के अंदर भी ये डिवाइस देखने को मिल चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये डिवाइस हमें पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कब देखने को मिलेगी और कितनी प्राइस के अंदर देखने को मिलेगी, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस डिवाइस के बारे में जितने भी फीचर्स हैं वो भी आज की इस वीडियो में देखेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इस डिवाइस के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आज की इस वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि स्मार्टफोन की तरफ हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस डिवाइस के अंदर हमें क्या चीजें खास देखने को मिलती है और क्या चीजें हमें कम देखने को मिलती है जिसकी वजह से हमें इस डिवाइस की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों प्राइस के अंदर क्या हमें वैल्यू दे रही है नहीं दे रही, मतलब स्मार्टफोन को हमें इस प्राइस के अंदर बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वीडियो का आखिर तक देखते रहना। और सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं Xiaomi की तरफ से ब्लैक शार्क 5 की, दोस्तों स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की, स्क्रीन की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है, और स्मार्टफोन में सबसे जो हाइलाइटिंग फीचर है वो यही है कि स्मार्टफोन के अंदर आपको सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलता है। यकीनन दोस्तों इस चीज से मैं काफी एग्री हूं कि आपको पैनल जो है वो काफी टॉप लेवल का दिया गया है। अब दोस्तों एक चीज देखने को यही मिलती है, आपको बहुत आपने ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी जो कि अगर देखा जाए तो हमें AMOLED पैनल से नीचे नीचे ही देखने को मिलती है, लाइक AMOLED पैनल देखने को मिलता है, OLED देखने को मिलता है, IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, यही देखने को मिलता है, लेकिन सुपर AMOLED पैनल बहुत कम डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों Xiaomi की तरफ से ब्लैक शार्क 5 के अंदर आपको सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों साथ साथ दूसरी चीज भी आपको जो रिफ्रेश रेट दिया गया है वो आपको 144Hz का दिया गया है। दोस्तों एक चीज क्लियर हमें ये पता चल गई कि स्मार्टफोन के अंदर जो गेमिंग है वो एक गेमिंग किंग मानने वाला स्मार्टफोन होगा। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो दोस्तों आपको रिफ्रेश रेट काफी बेहतर दिया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप जानते ही हो कि अब आपको जितनी भी डिवाइसेस देखने को मिलती है वो 120Hz के अंदर देखने को मिलती, लेकिन इस डिवाइस के अंदर आप 144Hz का दिया गया, लेकिन दोस्तों आप चौंक जाओगे कि मतलब इतना रिफ्रेश रेट, लेकिन इसी चीजों के अंदर मतलब आपको स्क्रीन का साइज भी काफी बेहतर दिया गया है। लेकिन अगर आप कैमरे के लिए अपना स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो तो आपको इस तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम कैमरे की बात करेंगे। दोस्तों स्मार्टफोन की अगर बात की जाए परफॉर्मेंस वाइज की, तो स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 नहीं एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हर किसी डिवाइस के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता, तो स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफी बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन की चिपसेट की, जो कि आपको क्वालकॉम का देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम एक अच्छी मतलब एक अच्छा चिपसेट है जिसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको काफी बेहतर चिपसेट देखने को मिला, और गेमिंग के अंदर आपकी जो मतलब एक अलग ही वैल्यू देने वाला होगा, और आपकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगी एक टॉप लेवल, लेकिन अगर जिस तरह की भी गेमिंग परफॉर्मेंस आप लेना चाहोगे उस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों बात करेंगे आप स्मार्टफोन के कैमरे वाइज की, उसके बाद देखेंगे स्मार्टफोन की प्राइस। दोस्तों सबसे पहले कैमरे वाइज की बात कर ली जाए, स्मार्टफोन के बैक साइड पर आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो मेन सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलता है, एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखना चाह रहे हो कि एक अच्छी क्वालिटी देखना चाह रहे हो, मतलब आप 108 मेगापिक्सल के अंदर आप कैमरा लेना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि कैमरे के लिए ही बेस्ट हो, तो फिर आप चिपसेट के साथ साथ दोस्तों आप कैमरे को भी बेहतर ले सकते हो, लेकिन आप ब्लैक शार्क 5 प्रो की तरफ जा सकते हो। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के सेकंड कैमरे की, 13 मेगापिक्सल थर्ड आपको 2 मेगापिक्सल, लेकिन सेल्फी जो है वो आपको 16 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात करेंगे अब स्मार्टफोन की प्राइस की, दोस्तों ग्लोबली मार्केट के अंदर देखा जाए तो $550 के इसके मतलब प्राइस रखी गई है, यूके के अंदर मतलब सभी मतलब कंट्रीज के अंदर $550 इसकी प्राइस रखी गई है। बाकी दोस्तों यहां पर आप किसी भी कंट्री की अगर प्राइस देखना चाह रहे हो तो डॉलर को आप चेंज कर सकते हो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, बाकी आपके सामने प्राइस भी आ जाएगी। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन की लॉन्च रेट की, तो दोस्तों पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और इंडिया के अंदर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट है कि स्मार्टफोन को इस मंथ छोड़ के अगले मंथ के लास्ट से पहले पहले इस डिवाइस को लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन की, अब वेरिएंट के दो वेरिएंट रखे गए हैं जो कि इसकी स्टार्ट $550 से हो रही है, मतलब 8GB रैम के साथ 128GB होगी और 12 के साथ आपको 256GB मेमोरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों साथ ही साथ अगर बात की जाए स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो साइड अमाउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छी ही क्वालिटी है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर की, दोस्तों जब हम
अपने स्मार्टफोन को साइड फिंगरप्रिंट सेंसर से यूज करते हैं ना, तब हमारा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इतना वर्क नहीं करता। दोस्तों अगर अंडर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर हो तो काफी बेहतर वर्क करता है, जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने मिलती। लेकिन साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे नहीं लगता कि इतनी खास वैल्यू देता हो, क्योंकि दोस्तों साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर इतना वर्क ही नहीं करता है। जितने भी स्मार्टफोन हमने यूज किए ना साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर वाले, लेकिन उनमें इतना खास वैल्यू नहीं देखने मिलती। लेकिन अंडर डिस्प्ले और बैक पर होना जरूरी था। लेकिन खैर दोस्तों अब बात करेंगे अब स्मार्टफोन की बैटरी की। दोस्तों 4650 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन 120 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिली। ये काफी बेहतर चीज है, जो कि हमें जो चार्जर दिया गया वो एक अच्छी क्वालिटी का देखने को मिला। देखिए चार्जर अगर हमें कम देखने को मिलता तो हमारी बैटरी को इंप्रूव किया जाना था, लेकिन हमारी बैटरी को थोड़ा सा कम रख दिया गया। इसी वजह से रख दिया गया कि हमारे चार्जर को जो है वो इंप्रूव कर सके, हम एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। और देखिए दोस्तों अगर चार्जर आपको कम कर दिया जाता तो आप अपने स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आप जो चार्ज है वो बहुत जल्द कर सकते हैं। आपकी बैटरी जो इजीली एक दिन तो इजीली गुजार देगी, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर। बाकी दोस्तों इस डिवाइस के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन का आप इंतजार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपको यह वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।